देख रहे हैं कोटद्वार न्यूज। कोटद्वार के फ्लांक्स सिनेमा में आज से उत्तराखंड की धमाकेदार फिल्म मिठी माँ को आशीर्वाद की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही यह फिल्म ऋषिकेश, देहरादून, रुड़की और विकास नगर में भी आज रिलीज हो गई है। कोटद्वार में राज्य मंत्री पंडित राजेंद्र अंतरवाल ने इस फिल्म का शुभारंभ किया, जहां CIMS और मोनाल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी फिल्म देखने पहुंचे। इस फिल्म में बताया गया है कि उत्तराखंड के गांव की साधारण सी लड़की कैसे एक कुकिंग कंपटीशन में भाग लेकर दुनिया भर में उत्तराखंड के व्यंजनों का स्वाद पहुंचाती है। फिल्म में बताया गया है कि पहाड़ के पारंपरिक भोजन मोटा अनाज के साथ ही बाड़ी, काफुली, पाणु, भांग की चटनी, कंडाली का साग, झंगोरे की खीर और चैसू स्वादिष्ट होने के साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है, जिस कारण दुनिया भर में पहाड़ी व्यंजन अलग पहचान रखते हैं। फिल्म में 5-स्टार होटल से लेकर छोटे ढाबों तक सभी का अपना महत्व बताया गया है। फिल्म में अन्न का सम्मान करने के साथ ही युवा पीढ़ी को कई और संदेश दिए गए हैं और जो आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये मीठी नाम से पिक्चर बनी है और मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के जो आर्थिक और जो पौराणिक और सामाजिक जो पूरा इसमें दर्शाया गया है और जो हमारे अन्न है, जो हमारे व्यंजन हैं, उनकी महिमा को विशेष रूप से इसमें प्रदर्शित किया है। इसको ग्लोबल बनाने के लिए प्रयास किया है। मैं जो इसके निर्माता हैं, निर्देशक हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। ये गढ़वाल मूवी मेरे बहुत अच्छी लग और मैं अपने उत्तराखंडी भाई बहनों को सेवा सोनी बोल चालू और ये गढ़वाल मूवी जो छाई यह हमारे पूरी मतलब गढ़वाल की जो हमारा जो भी दाल बट्टे गैत और चूनो झुंगरो तो सब ये मोटा अनाज के बारे में तो जैसे मतलब कोई जानो नहीं था हमारे देश में, तो आज हमारी ये चीज सर भी समझानी है।